हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पिज़्ज़ा पाई बना रहे हैं। चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 कप मैदा, 2 चम्मच ईस्ट, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच थाइम, नमक 1/2 चम्मच डाल के मिक्स करें। ऑयल 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स करें और नीम गरम दूध के साथ आपने इसको भूनना है। डो बिल्कुल नरम होनी चाहिए, इसको 3-4 घंटे आप रखें। पैन लिया, 1 चम्मच मक्खन को मेल्ट करें, 1/4 लहसुन कूटा हुआ लहसुन, 1 मिनट फ्राई करें, फिर 1 प्याज चॉप की हुई, 1 मिनट कुक करें। चिकन क्यूब्स में डाल के फ्राई करें। नमक 1/2 चम्मच, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च 1/1 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स करें। पिज्जा सॉस 3 चम्मच, सोया सॉस 3 चम्मच, अब देखिए आटा भी हो गया, अब इसको डाल के अच्छे से हम इसको ना एक दफा गूंद लेंगे हाथ से। किसी 2 हिस्से कर लेने हैं आटे के। अब इसको रोटी की तरह बना लें। पैन लिया, पैन में अच्छे ऑयल लगा के इसमें रोटी रखे, हाथ से इसको बड़ी कर ले। पिज्जा सॉस लगाए, चिकन डालें,
इससे किया जो जिसे आलू छिलते हैं उससे मैंने ये चीज़ की है। अब दूसरा पेड़ा लिया, उसकी भी रोटी बेल लेनी है। अब इसके ऊपर डाल दे, साइडों से अच्छी तरह दबा दे। एग लगाएं, बीट किया हुआ एग। अब ये फॉक से इसके अच्छे से रोटी में लगा दें, सुराख हो जाएंगी ताकि वे फूले ना ज़्यादा। इसमें कलवंजी डालें, कलवंजी लगा दे ऊपर। अब इसके हम पीस कर लेने हैं। अब इसको बेक कर ले 15-20 मिनट। ये रेडी है। ये आप बनाएं और बच्चों को दे, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आएंगे।